प्रयागराज के उमेश पाल मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। उमेश के मर्डर से पहले ही असद को बचाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है। वारदात के वक्त असद के मोबाइल फोन की लोकेशन लखनऊ में दिखाई गई। जानबूझकर मोबाइल लखनऊ के फ्लैट में छोड़ने की रणनीति बनाई गई। वारदात के वक्त असद के एटीएम से भी पैसे निकाले गए थे। असद के करीबी से एटीएम का इस्तेमाल करवाया गया था। उमेश पाल की हत्या के वक्त असद को कार में रखने का भी प्लान था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ। उमेश के घर में घुसने के बाद असद के कार से निकलने की भी जानकारी सामने आई। और इस बीच प्रयागराज उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे से कुछ युवकों ने मुलाकात की थी। अली से 24 फरवरी को कुछ युवक मिलने के लिए गए थे। अली का दोस्त बताकर युवकों ने मुलाकात की थी। मुलाकात करने गए युवकों के बारे में पुलिस अब जांच में जुट चुकी है। 24 फरवरी को ही उमेश पाल की हत्या यहां पर हुई थी और 24 फरवरी को ही अली से मुलाकात की गई है कुछ युवकों की तरफ से। अली का दोस्त बताकर ये युवक उनसे मुलाकात करने के लिए वहां पहुंचते हैं। नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के बेटे से युवकों ने मुलाकात की। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के पश्चिमी यूपी में होने के इनपुट मिले हैं। शूटर गुड्डू मुस्लिम के भी पश्चिमी यूपी में छिपे होने की आशंका जाहिर की जा रही है, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है, जांच एजेंसीज कर रही है। अतीक अहमद के रिश्तेदार और उससे जुड़े लोगों पर भी नजर यहां पर बनाई हुई है। असद और हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में छापेमारी लगातार हो रही है। असद और गुड्डू मुस्लिम पर 2.5 लाख का इनाम भी घोषित है। तो ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। एटा से बड़ी खबर मिल रही है। एटा में मकान की छत गिरने से हादसा हो गया है। मकान की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। मकान की छत गिरने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। यूपी के आलू किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदेगी। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से इसकी शुरुआत होगी। फरुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव में क्रय केंद्र खुलेंगे। मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली में भी क्रय केंद्र को खोला जाएगा। किसानों के लिए यह बड़ी राहत है। सरकार 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने जा रही है। पिछले दिनों देखा गया था किसान लंबे समय से परेशान चल रहे थे। आलू किसान खासकर कौतर से उनकी दुर्दशा सभी के सामने थी। ऐसे में ये बड़ी राहत दी गई है आलू किसानों को। यूपी में सरकार 650 रुपए क्विंटल की दर से आलू खरीदने जा रही है और इसकी शुरुआत होगी 7 जिलों से, जिसमें फरुखाबाद शामिल है, कौशाम्बी है, उन्नाव है। यहाँ पर क्रय केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा मैनपुरी, एटा, कासगंज और बरेली में भी क्रय केंद्र खोले जाएंगे जहाँ से अब सरकार इन्हें खरीदेगी किसानों से। 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू की खरीद की जाएगी सरकार की तरफ से। तो किसानों को एक बड़ी राहत यहां पर दी गई है, जो कि लंबे समय से परेशान चल रहे थे आलू की दरों को लेकर के। अब ये राहत भरी खबर यूपी के आलू किसानों के लिए सामने आई है। सरकार ने 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। इन जिलों में फरुखाबाद है, मैनपुरी है, एटा, कौशाम्बी, कासगंज, बरेली, जहां पर क्रय केंद्र खोला जाएगा। 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीद पर सपा का विरोध भी देखा जा रहा है। शिवपाल यादव ने ट्वीट कर इसको नाकाफी बताया है। 1500 रुपए क्विंटल खरीदारी की शिवपाल यादव ने मांग की है और इसी के साथ उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा है कि सरकार का 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से आलू खरीदने का फरमान नाकाफी है श्रीमान। 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बीज खरीदने वाले किसान के लिए यह समर्थन मूल्य मजाक है। सरकार को न्यूनतम 1500 रुपए प्रति पैकेट की दर से आलू की खरीद करनी चाहिए। कम से कम लागत तो दे दो सरकार। ये ट्वीट किया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। आपके सामने 650 रुपए प्रति क्विंटल आलू की खरीद पर यह ट्वीट। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही नाकाफी है। कम से कम 1500 रुपए प्रति क्विंटल दर होनी चाहिए। तो वहीं आलू खरीद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। एमएसपी की मांग ठुकरा रही है भाजपा सरकार, अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं, आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकलना भी मुश्किल हो रखा है, भंडारण के लिए टोकन न मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिताना, एमएसपी की मांग का भाजपा सरकार द्वारा लगातार ठुकराना, अब की बार आलू बदलेगा सरकार। ये ट्वीट किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। यहां पर भी विरोध अखिलेश यादव का देखने को मिला है।
उन्होंने ट्वीट करके ये तमाम बातें लिखी है कि भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं बढ़ रही हैं। आलू की लागत का दर बढ़ती जा रही है, कम दाम मिलने से लागत निकलना भी मुश्किल हो रहा है, भंडारण के लिए टोकन नहीं मिलना, कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिताना, एमएसपी की मांग को ठुकराना, ये तमाम बातें लिखी गई है। और साथ ही कहा कि अब की बार आलू बदलेगा सरकार। यह अखिलेश यादव का ट्वीट है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने ये ट्वीट किया है आलू की कीमत को लेकर के। जिस तरीके से सरकार ने आलू की कीमत को लेकर के किसानों को राहत दी है, लेकिन इस पर अब तमाम सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। शिवपाल यादव ने भी सवाल उठाए ट्वीट करके। यहाँ पर अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया और लिखा है कि अब की बार आलू सरकार बदल सकता है, एमएसपी की मांग को भाजपा सरकार ठुकरा रही है, ये भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। कोल्ड स्टोरेज के बाहर रातें बिता रहे हैं किसान, भंडारण के लिए टोकन न मिलना, इन तमाम बातों का जिक्र किया अखिलेश यादव ने। तो वहीं पश्चिमी यूपी में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन होने जा रहा है। मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में होने वाले आयुर्वेद महासम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस महासम्मेलन में देश के जाने माने आयुर्वेद आचार्य लोगों को निःशुल्क परामर्श और निःशुल्क इलाज के साथ ही दवाइयां भी देंगे। 3 दिनों तक होने वाले इस आयोजन में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य और 1200 छात्र छात्राएं भी शामिल होने जा रही हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल यहां पर मौजूद रहेंगी, 300 से ज्यादा आयुर्वेद आचार्य 1200 छात्र यहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इसका मकसद आयुर्वेद को बढ़ावा देना है, ये कहा गया है। तो मेरठ में आज से अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन 3 दिनों तक चलने वाला है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में इसका महासम्मेलन। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात की साबरमती जेल में सस्ता था अतीक अहमद का दरबार, सूत्र ये बता रही है। बिना किसी लिखा पढ़ी के अतीक से जेल में लोग मुलाकात करने के लिए जाते थे। अतीक अहमद अपनी सुविधा अनुसार जेल में लोगों से मुलाकात करता था, सूत्रों की तरफ से ये जानकारी। जेल में माफिया अतीक अहमद को हर सुविधा मिलने का दावा भी किया गया है। वहीं लोगों के रुकने, नहाने, खाने पीने हर चीज का इंतजाम वहां पर किया जाता था। अतीक से मिलने वाले लोग पूरा दिन जेल में बिताते थे। मुलाकात के लिए अतीक को अलग कमरा भी दिया जाता था। अतीक अहमद जेल में कई मोबाइल का भी इस्तेमाल करता था, सूत्रों की तरफ से ये बड़ी जानकारी है। मोबाइल फोन पर जेल से लोगों को डराना, धमकाना, ये काम अतीक की तरफ से किए जा रहे थे। माफिया अतीक अहमद जेल से ही अपना पूरा कारोबार चलाता था, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत भी करता था। तो सूत्रों के हवाले से ये तमाम खुलासे यहाँ पर किए गए हैं कि जेल में रह करके किस तरीके से अतीक को तमाम सुविधाएं वहां दी जा रही हैं। गुजरात की साबरमती जेल में अतीक अहमद का दरबार सस्ता था, बकायदा लोग वहां उनसे मिलने के लिए आते थे और वहां पर इन लोगों की कोई एंट्री नहीं, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। अतीक अहमद से जो लोग मिलने के लिए आते थे उन्हें भी वहां पूरी सुविधा दी जाती थी। जेल में अतीक अहमद को हर सुविधा मिलने का दावा किया गया है। जो लोग मिलने के लिए आते थे उनके रुकने, नहाने से लेकर के खाने पीने तक की भी जेल में तमाम इंतजाम वहां कराए जाते थे। फोन भी था अतीक अहमद के पास, व्हाट्सएप के जरिए लोगों के टच में था, बातचीत भी होती थी। अतीक अहमद जेल में कई मोबाइल का इस्तेमाल करता था, एक या दो नहीं, कई मोबाइल फोन अतीक के पास वहां पर थे। मोबाइल फोन पर जेल से लोगों को डराया धमकाया भी जाता था अतीक अहमद की तरफ से। तो माफिया अतीक अहमद जेल से ही अपना पूरा कारोबार चला रहा था। सूत्र की तरफ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से अतीक अहमद, यानी तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रखे हैं कि कोई बड़ा वहां पर अतीक अहमद को संरक्षण दे रखा है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं, ये तमाम सवाल अब यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जेल में अतीक अहमद को वहां सुविधाएं दी जा रही है, ऐसे में तमाम सवाल और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत भी करता था, ये भी जानकारी मिल पा रही है। तो अतीक अहमद के लिए जेल में पूरा दरबार वहां पर लगता था, तमाम सुविधाएं वहां पर दी गई हैं। मुलाकात के लिए जो लोग वहां पहुंचते थे उन्हें भी तमाम सुविधाएं दी जाती थी। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। तो मोहम्मद, ये बड़ा खुलासा हुआ है, जेल में बंद, साबरमती जेल में जो अतीक अहमद बंद है, तमाम सुविधाएं वहां पर दी जा रही हैं, ऐसे में क्या संदेश जाएगा बाहर, जो लोग मिलने के लिए जाते हैं उनसे कोई एंट्री नहीं होती उनकी, उनको भी तमाम सुविधाएं दी जा रही है? लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये बहुत हैरान कर देने वाली, बहुत चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है। एबीसी गंगा के पास इस बात की पुख्ता जानकारी है कि अतीक अहमद जो साबरमती जेल है गुजरात के अहमदाबाद में, उस जेल को अपने घर की तरह इस्तेमाल करता था। वहां उसे ऐशो आराम की हर सुविधाएं मिलती थी। जेल के जो अधिकारी कर्मचारी होते थे उनकी मिली भगत होती थी, उनकी शह पर होता था।
और इतना ही नहीं, प्रयागराज समेत आसपास के दूसरी जगहों से जो लोग जाते थे अतीक अहमद से मुलाकात के लिए, तो वो वहाँ होटलों में नहीं ठहरते थे बल्कि जेल में ही उनके रहने खाने पीने का इंतजाम किया जाता था और अतीक अहमद अपनी सुविधा के मुताबिक लोगों से मिलता था। एक और बहुत अहम जानकारी मिली है कि साबरमती जेल में हर जुमे के दिन यानी हर फ्राइडे को नमाज के बाद वो जो है सभी बंदियों के लिए खाने का इंतजाम करता था। जो कैदी शाकाहारी थे उनके लिए शाकाहारी भोजन बनता था, बाकी लोगों के लिए नॉनवेज डिशेज तैयार की जाती थी, कभी चिकन बिरयानी बनती थी, कभी दूसरी डिशेज तैयार की जाती थी और रात के वक्त अक्सर हुक्का पार्टी आयोजित की जाती थी जिसमें जेल के भी कुछ अधिकारी शामिल रहते थे। इसके साथ साथ जो कई अन्य बंदी हैं वो भी शामिल रहते थे। तो अतीक अहमद ने साबरमती जेल को अपने घर की तरह इस्तेमाल किया था, लग्जरियस लाइफ वो होटल जेल में भी जी रहा था, बिल्कुल उसी तरीके की जिंदगी बिता रहा था जिस तरीके से किसी फाइव स्टार होटल में बिताया जाता है। एक और जानकारी वाली सामने आई है कि जो लोग बाहर से आते थे वो जेल के आसपास कोई चाय की दुकान है वहां पर उन्हें संपर्क करने के लिए कहा जाता था और जो चाय दुकान का संचालक था वो एक पर्ची देता था, यानी वो टोकन के तौर पर इस्तेमाल होती थी। बिल्कुल मोइना, तमाम जो खुलासे किए गए हैं इससे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, हैरान ये कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए मोइना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।